कही गई बात को दूसरे को बता देना ही नरेशन है। इसलिए टॉपिक महिलाओं का फेवरेट होता है कि नरेशन कभी भी सिंगल स्टेटमेंट का नहीं होगा। कोई भी साइन इस कॉमा के बाहर दोगे तो वो स्टार्ट करता हूं। आज वो क्या कुछ नहीं कराऊंगा क्योंकि क्लास लंबा लेना होगा मुझे। नरेश, आज कुछ बच्चे फर्स्ट डे भी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो नरेशन बचपन से आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ही सेड दे सेड, आपने सुना होगा करा होगा, वो सेड साड क्यों होता है उस बात चर्चा करेंगे हम लोग। तो नरेशन क्यों पढ़ना चाहिए, कितने मार्क्स का आता है, क्या ज़रूरत है, हर चीज़ पे चर्चा होगी, फिर क्लास आगे बढ़ेगा। सबसे पहला काम जो नरेशन वर्ड टर्म है, नरेशन ये वर्ड अपने जिसके भी अंत में आई ओ एन लगा होता है वो नाउन होता है, राइट? क्या होता है? नाउन। यानी वर्ड बना है नरेट से, नरेट। नरेट जो वर्ड है इसके ही तो वर्णन करना, व्याख्या करना, किसी के चरित्र को चित्रण करना नरेट कहलाता है। बस वही नरेट वर्ब से ये वर्ड नरेशन लिया गया है। नरेशन का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है स्पीच। स्पीच और स्टेटमेंट दोनों एक ही चीज है। तो नरेशन का एग्जैक्ट मतलब स्पीच होता है, स्टेटमेंट होता है। और जो हम स्टेटमेंट किसी को देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट देने का तरीका में अंतर होता है। उसी अंतर को हम नरेशन के अंतर्गत पढ़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम दे करके। बस मैं ना अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम क्यों देते हैं उस पर आऊंगा वापिस। फिलहाल समझते हैं नरेशन टॉपिक। नरेट वर्ड, नरेट क्या है जी? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब होता है चरित्र चित्रण करना, व्याख्या करना, बताना, नरेट का मतलब होता है। अब नरेशन टॉपिक से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन होता है, जैसे मैं बात करूं यूपीएससी में, तो यूपीएससी में लगभग जो है 5+ मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं एसएससी का, एसएससी सीजीएल भी बोलते हैं इसको, या फिर सीपीओ की बात करूं, तो नरेशन टॉपिक से मान चलो कि 27+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीयर वन टीयर टू मिला करके। टीयर टू में 25 तो कम हमेशा पूछता है, और एक दो नंबर आजकल पीटी में पूछ रहा है, ठीक है? तो 27+ मतलब 30 उसके आसपास आपसे पूछेगा। आप सोचो एक टॉपिक और 27 क्वेश्चन, तो इस टॉपिक को हल्के में लेना उचित नहीं, सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 27 क्वेश्चन अगर है, 25 ही पूछो मान लो, तो 25 में मान लो कि मैं आपको ऐसा क्लास बना दूंगा कि 25 में 23-24 आपको 5 मिनट के अंदर बन जाएगा। एक आध क्वेश्चन हर जगह थोड़ा सा टफ रहता है, और टफ क्या रहेगा, घुमाता है, वो भी आप टाइम लगा दोगे तो हल्का हो जाएगा, लेकिन तो घुमाएगा होगा, लेकिन 25-27 नंबर आपको बन जाएगा, ये गारंटीड है। बस क्लास को फोकस करो, बाहरी किताब टच ही मत करो, कौन क्या बोला, कौन किताब क्या लिखता है उसको टच ही नहीं करना है, फिलहाल इन्फ्लुएंस मेरे ही रहना है। अब नरेशन टॉपिक से स्टेटमेंट होता है, स्पीच होता है, एक क्वेश्चन का वैल्यू है, और इसमें और क्या है, तो ये स्पोकन में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि अब तक जो टेंस और वॉइस में पढ़ा वो आपने पढ़ा सिंगल स्टेटमेंट, और नरेशन का मतलब ही होता है वर्णन करना, तो डबल स्टेटमेंट। क्योंकि वर्णन या व्याख्या आप जब भी दोगे तो इसमें आपको एक स्टेटमेंट से व्याख्या नहीं कर सकते किसी चीज का, तो इसमें व्याख्या करने के लिए एक से ज्यादा स्टेटमेंट देना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को समझाने के लिए एक से ज्यादा स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो पहली बात, इसका शर्त यह है कि नरेशन कभी भी सिंगल स्टेटमेंट का नहीं होगा, नरेशन कभी भी एक क्लाउज का नहीं होगा, नरेशन जब भी होगा तो एक से ज्यादा क्लाउज का होगा। नरेशन में एक सेंटेंस नहीं हो सकता, जब भी होगा तो एक से ज्यादा सेंटेंस होगा, यानी आप इसमें डबल क्लाउज पढ़ने जा रहे हो। तो डबल क्लाउज तभी जुड़ता है जब बीच में कंजंक्शन होता है, बीच में क्या होता है, कंजंक्शन। तो बिना कंजंक्शन का नरेशन नहीं होता, यानी जितना भी स्टेटमेंट होगा
सब में जोड़ने के लिए क्या आएगा, एक कंजंक्शन आएगा, यानी दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए बीच में एक जुड़ाव करने वाला कनेक्टर होगा जिसको कंजंक्शन कहते हैं। और कंजंक्शन का वैरायटी अलग अलग होगा, जो हम लोग पढ़ते हैं राम सेड दैट, तो दैट क्या है, कंजंक्शन है, तो दैट के जैसा और भी कंजंक्शन इसमें आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दैट ही आएगा। क्लियर, वापिस आते हैं। अब प्रश्न उठता है यहां पे, कितने प्रश्न के पूछे जाएंगे तो क्या क्या इसका आइडिया होगा, क्या क्या होगा, तो राइटिंग स्किल्स और स्पोकन में भी ये काम आता है। अब हमने कहा कि नरेशन जो वर्ड है, ये नरेशन वर्ड आपके लिए जो आएगा, जो आपके लिए आएगा वो करना क्या है कि नरेशन टॉपिक में हमने कहा कि जो पार्ट होता है वो स्पीच होता है। क्या होता है बाबू, स्पीच। और स्पीच जो होता है वो दो तरह का होता है, एक सीधा सीधी और एक इनडायरेक्ट। अब प्रश्न उठता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट क्या होता है भाई, तो व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यहां ध्यान देना कि नरेशन है क्या, नरेशन एक ट्रायंगल है, नरेशन क्या है, ट्रायंगल होता, यानी इसमें तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होगा ही होगा, तीन व्यक्ति इन्वॉल्व, एक बोलेगा, एक सुनेगा और इसके बारे में हम बात करेंगे। भाई जब भी व्याख्या होगा तो सामने वाला तो सुनेगा ना कम से कम, तो अपने मन से क्या बोलेंगे, तो इसमें तीन व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, इस एंगल से लेगा। उसने कहा कि तुम चोर हो, तो उसने कहा कि तुम ईमानदार हो, उसने कहा कि तुम आलसी हो, तो उसने कहा तुम आलसी हो, तो मैं हो गया बोलने वाला, तुम हो गए सुनने वाले, और एक तुम वो कह रहा था, यानी हम नहीं कह रहे हैं, कह वो रहा है तुम्हारे बारे में, समझ बात को ना, तो तीन वर्ग वर्क नहीं हुआ। तो नरेशन हमेशा ट्रायंगल पे चलता है, एक बोलेगा, एक सुनेगा और इस बारे में बात करेंगे। तो अब जो बोलने वाला होता है, आप खुद अपने लाइफ को देखना, अगर खुद के लाइफ को समझ लिया तो नरेशन समझ लेगा तुम। कैसे, नरेशन हमेशा किसी की कही गई बात को दूसरे को बता देना ही नरेशन है, इसलिए टॉपिक महिलाओं का फेवरेट होता है। क्या कहा, किसी की कही गई बात किसी की दूसरे को कह देना ही, अगर हिंदी में लिखवाए डिफिनेशन तो ही होगा, किसी की कही गई बात को दूसरे को बता देना ही नरेशन है। बस ना, तो किसी की बात कहा, अब मन में पच नहीं रहा है, उगल दिया यहां। तो वेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड, यानी स्पीकर कोई और है, स्पीकर कोई, उस स्पीकर ने कहा और उसी की भाषा में हमने इसको कह दिया, उसे कहते हैं डायरेक्ट। कैसे सर, ये समझना बढ़िया से, एक अभी लिखना मत, समझो सब लिखवा दूंगा आराम से। हमने कहा कि वह कहता है, समझना बढ़िया से, वह कहता है कि मैं ईमानदार हूं, या मैं डॉक्टर हूं, कुछ भी लिख सकते हो, मैं ईमानदार हूं, ठीक। अभी से देखो, वह कहता है कि मैं, यह एक स्टेटमेंट है, वह कहता है एक क्लाउज है कि नहीं है, मैं ईमानदार हूं, क्लाउज है कि नहीं है, दोनों में कनेक्ट देखो की है ना कनेक्ट। अब देखो कि वह कहता है मैं ईमानदार हूं, मैं कौन, यानी मैं है कौन, वह, यानी एक आदमी बोल रहा है, जैसे मान लो हमने कहा मैं ईमानदार हूं, तो तुमने उससे कहा कि सर कह रहे थे ना मैं ईमानदार हूं, अब सोचो कौन से, तो मैं अपने बारे में कहा ना, लेकिन अगर जो जिसे तुमने कहा वो सर की बात नहीं सुना तुमसे, नहीं सुना तुमसे, और सुन लिया मैं ईमानदार हूं, तो बोलो कम्युनिकेशन गैप हुआ कि नहीं होगा। इसको फिर समझा रहा हूं, जैसे तुमने कहा उससे कि सर कह रहे थे मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदार मैं हूं ना, लेकिन तुमने बोला सर कह रहे थे, और ये लड़की सुनी नहीं कि सर कह रहे थे, बस ये सुन क्या ली मैं ईमानदार हूं, आधी बात सुनी आधी, तो चिल्ला पड़ी तुम बड़का ईमानदार बन रही हो,
हुआ ना, तो कम्युनिकेशन गैप। इसलिए डायरेक्ट स्पीच से स्पीकिंग नहीं किया जाता है और ना राइटिंग किया जाता है, जरूरत पड़ा है इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, ताकि यह एक स्टेटमेंट है, इसको पढ़ने से पहले इसको जान लो। समझा इन्वर्टेड कॉमा का महत्व क्या? समझा यार, मतलब सेपरेट कहा गया कि ये आदमी कोई तीसरा बंदा है, हाँ इसको बाउंड्री से घेर देंगे कि भाई तुम एक खास प्रकार के हो, ये कम्युनिकेशन गैप करने वाला है। गैप नहीं करेगा जी, मैं आधा बात खा गया और आधा बोल, मैं हमेशा इसको इसमें बोलने वाला कोई और होता है और मैं यहां बोल रहा हूं मैं ईमानदार हूं। तो वेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, यानी स्पीकर जो है उसको एग्जैक्ट वर्ड को लिया, जैसा बोला वैसा ही बोल दिया, तो उसका नाम क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच, राइट। इन डायरेक्ट क्या कहता भाई? वह कहता, तो यहां पे मैं कौन है? वह यह कहता है, वह कहता है कि वह ईमानदार है, वह कहता है कि, और यहां पे वह कौन है? यही वाला वह, वह कहता है कि वह ईमानदार है, तो यहां पे वह कौन है? ठीक है, तो यहां पे भी वह वही है, सेम है दोनों ना। अब देखो, अब यहां पर अगर वह कहता है तुम नहीं बोलना चाहो, लेकिन वार्ता जब चल रही है तो कह रहे हो कि हाँ वो कह रहे थे कि वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो वह अगर पहला लाइन नहीं भी बोले हो और पता है कि बात हो रही है सर के बारे में, तो तुम वह ईमानदार बोल सकते हो ना लास्ट। यानी यही चीज स्पीकिंग में, राइटिंग में यूज की जाती है, और इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, हटाते हो उसको, ठीक है। यानी इन दिस केस वी डोंट यूज द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर, इन दिस केस वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर एंड वी एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट इन आवर ओन वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी हम लोग क्या लेते हैं? सेंस को, वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, वी टेक द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट, हमने यहां पर सेंस लिया कि मैं कह रहा तो क्या कहूंगा? वह कहूंगा। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब हुआ कि डायरेक्ट हमेशा कॉमा में होता है और इनडायरेक्ट कॉमा में नहीं होता। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच हिंदी में। क्या पति? चलिए तो अब हम लोग नरेशन स्टार्ट करते हैं और तरीके से लिखिए, उसको लिखवाने का मैं प्रयास करता हूं। नरेशन लिखिए, जो हिंदी लिखा है ना उसी का अंग्रेजी यहां पर लिखा है, जो ये लिखा है ना उसी का हिंदी ये लिखा गया, मतलब थोड़ा सा अलग वे में लिखा गया है, सेम नहीं है लाइन बाय लाइन। है कि हमने एक साथ दो बैच स्टार्ट किया है, एक ब्रिलियंट बैच के नाम से जो कि फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें लिखना पढ़ना बोलना सब आएगा, लेकिन ये ब्रिलियंट बैच उनके लिए है जो हिंदी से इंग्लिश मीडियम बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं डीएम बनना, कलेक्टर बनना, आईएएस बनना, वो चाहते हैं सर ना हिंदी पढ़ पढ़ के बोल गया अब आई वॉन्ट टू चेंज माई मीडियम, यानी हिंदी से इंग्लिश मीडियम बदलना चाहते हैं, राइटिंग स्किल्स नहीं आता, एक लाइन समझ में नहीं आता, हिंदू पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते, इंग्लिश में समस्या है, फाउंडेशन बैच ब्रिलियंट बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। एक भ्रम जाल में नहीं रहो, कहीं नहीं, कोई टक्कर में नहीं है, सीधा आ जाओ, इससे बेहतर क्लास कहीं छलावा नहीं में जाना है, यही बैच सिखा सकता है, धर्मेंद्र सर ही सिखा सकते हैं आपको अंग्रेजी, क्योंकि बेसिक सिर्फ यहां पे होता है, एडवांस सिर्फ यहां पे होता है, एग्जाम का तैयारी यहां पे होता है, तो ये मिलेगा, साथ साथ आप स्पोकन में परफेक्ट बनना चाहते हो तो संदीप का बैच है, यहां पे संदीप स्टार्ट किया है परफेक्ट बैच, तो यहां से आप परफेक्ट बैच, शाम को 6:30 बजे 10 बजे ब्रश किया इंग्लिश फाउंडेशन से और दिन भर बोला, शाम को 6:30 बजे बन गए परफेक्ट इंग्लिश में संदीप के साथ, और बिल्कुल नया बैच, लेकिन सबके सब बैच मिलेगा कहां? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, क्योंकि क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं और सारा काम कर रहा हूं मेरे दोस्त,
आप कमेंट करो, एक बार लिखते भी रहो कि आप हो कौन, नाम भी लिखते रहो और क्वेश्चन का आंसर बताते रहो, ए सही कि बी सही, आप देखते भी रहो। ये सिर्फ ऐड मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप जानते नहीं हो तो जानकारी ले लो और देखते रहो एक बार। मुश्किल से हमेशा घबराना नहीं है, नहीं आता क्वेश्चन कोई बात नहीं, डरना नहीं है, लेकिन इस बैच को ज्वाइन कर लो क्योंकि इस पे खर्च करो। एक दिन नहीं पहनेंगे कोई दिक्कत नहीं, ना नहाएंगे चलेगा, ना खाएंगे चलेगा, लेकिन ब्रेन को अगर शार्प कर लिया तो माँ देखो ना, इन दोनों कोर्स को, स्पोकन कोर फाउंडेशन को, दोनों कोर्स को हमने स्टार्ट कर दिया 50% नहीं 90% डिस्काउंट में, और वो भी इतना इतना करके नहीं, मात्र मात्र कॉल कर लो, नंबर दिया जा रहा है कॉल कर लो, लिख लिया तक। चलिए अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हमने क्या बढ़ाया, दो क्लाउज होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस तरह के बनावट कहीं दिखता हो तो उसका नाम रखना डायरेक्ट स्पीच। अगर ऐसा बनावट कहीं दिखे तो क्या नाम रखोगे, ऐसा देखो बनावट। अब इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो देखिए। ये इन्वर्टेड कॉमा जब राइटिंग कर रहे हो आप तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा यहां लगा दिए और फुल स्टॉप दे दिए, ये गलत। ये क्या है, आपको लगेगा ठीक तो है जगह पर, सेंटेंस लास्ट क्या फुल स्टॉप दे दिया, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है लास्ट लगा दिए, मतलब कोई भी साइन इस कॉमा के बाहर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बाउंड्री तक ही इसका इलाका है, तुम बाउंड्री से बाहर जो भी काम कर रहे हो सब हवा में है, सब कहां है, हवा में, किसी काम का तेरा है। उसे कहते हैं पंक्चुएशन एरर। तो पहला किसमें में गलती होगा, इसे क्या कहेंगे, पंक्चुएशन, जो कि राइटिंग स्किल्स में गलत माना जाएगा। ठीक, तो कोई भी साइन से बाहर नहीं होना चाहिए। तो करना क्या चाहिए सर, तो करना यह चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमा तुम दूर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका तुम एरिया बढ़ा दो, जैसे गांव में खेत वाले हो तो घर बनाए, हम आगे चार कट्ठा छोड़ दिया खाली, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं रात को तो आगे हम जितना खुला छोड़ दे तो अपनी कब्जा पूरा हो गया, तो कब्जा पूरा करो जगह, अब इतने दूर तो यहां फ्लोश लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चढ़ा के लगाने का प्रयास मत करना, हमेशा डिस्टेंस में काम करना, तो इसे कहते हैं पंक्चुएशन एरर। अब समझा गया, तो जो भी साइन देना है कहां देंगे, बाउंड्री के अंदर, पहला चीज। दूसरा चीज, यहां तक समझ में आ गया, तो इसे हम कहते हैं क्या भाई, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, बंद हो गया, वापिस आ जाइए। अब देखो क्या है, इसे कहते हैं कॉमा, और ये कॉमा उलट गया तो हो गया इन्वर्ट, इन्वर्टेड। अब कॉमा नहीं बोलेंगे, दो है ना, तो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास, इसका नाम है कॉमा। ठीक, अब ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। तो ये वर्ब जो है अक्सर जो स्टार्टिंग में जो बोलता है कॉमा, जो फ्री है वो हमेशा रिपोर्ट करता है कि उसने कहा, ये कहा, वो कहा, नहीं होता, सास बोलती है, पत्नी बोलती है, पति तुम्हारा मां ने ये कहा वो कहा, सास वर्ग में ऐसे कहा वैसे कहा, है कि नहीं। तो ये हमेशा क्या करता है, रिपोर्ट करता है, इसका नाम होता है, हाँ क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्ट करता है, और ये सुनता है, इसका होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्ट में क्या कहना, और इसको कहना आर एस, आर एस। तो ये दो नाम हो गए इसका, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। लिखते रहो, कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमास हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। जब कॉमास बोल दिया तो डबल ही हो गया वो, इन्वर्टेड कॉमास ही बोलना पड़ेगा उसको, डबल क्यों बोलेंगे,
नहीं, कभी कभी सिंगल भी लोग यूज करता है राइटिंग में हाईलाइटर से हाईलाइट करने के लिए, हाँ, लेकिन वो इन्वर्टेड कॉमा नहीं बोला जाएगा वो ना। क्या सिंगल यूज यहाँ नहीं होता, हाँ लिटरेचर में उसको हाईलाइट करने के लिए कहते हैं, वो ना वो नरेशन नहीं है वो, बस उस वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जिसका रिपोर्टेड स्पीच आरएस और आरबी। अब अगर मैं आरबी बोलूं तो दिमाग वहां रखना, आरएस को दिमाग यहां रखना। अभी बस इंफॉर्मेशन है, बस और क्या, एक फैमिली से परिचय करवा दिया। कोई आपत्ति यहां तक है? मिटा दूं इसको, कॉपी कर लिया, कर लो। यहां तक बात समझ में आप सबको आ गया है? अब इसको मिटा रहा हूं, बस अब देखते रहिए मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब देखिए मुद्दे पे आ जाइए, इसे कहते थे आरबी, इसे कहते हैं। अब जरा सोचो कि ये स्वतंत्र है कि नहीं है। कोई भी चीज बाउंड्री के अंदर है तो दबा हुआ है, बोलो ये बाउंड्री के अंदर है, इसको इससे मतलब है और ना ही इसको, क्योंकि ये कॉमा लेके साइड हो गया, ये कॉमा के अंदर भी साइड हो गया, तो इससे इसका कोई संबंध। अब चाहे टेंस कितना पढ़ा हूं, तीन, प्रेजेंट पास्ट, तो बोलो ये किसी भी टेंस में हो सकता नहीं हो सकता। तो ऐसा मत सोचना कि राम सेड ही होगा, राम सेज, राम सेड, राम विल से, राम हैव सेड, कुछ हो सकता है ना, राम इज सेइंग, जो करना चाहे यहां पे कर सकते हैं, डरने की जरूरत, एनी टेंस इज एनी टेंस। ठीक, तो बच्चा लोग सोचता है राम सेडी होना चाहिए, घबराना मत तुम लोग। ठीक है, यह भी किसी भी टेंस में, मैं तुमको राइटिंग अप्रोच भी साथ में ले चल रहा हूं, तो वो लिखने का मन करे लिखो अंग्रेजी, बोलने का मन बोलो अंग्रेजी, एग्जाम तक पढ़ा ही रहा हूं, एग्जाम का प्रैक्टिस तो करवाऊंगा क्लास में, तो यह भी किसी भी टेंस यानी एनी। पहला चीज, हर चीज स्वतंत्र पढ़ो, यानी इसको उससे मतलब नहीं, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, चाहे आई हैव गोन हो, चाहे विल गो हो, चाहे आई एम गोइंग हो, कुछ भी हो, हुआ क्लियर? वापिस एक एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपके मन से पहले डर को मिटा रहा हूं, पढ़ाऊंगा आराम से पढ़ाऊंगा, डर मिट रहा है। कोई भी टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ा ना जी, राम से, राम से, राम विल से, ये भी पढ़ा, राम राम इज गोइंग, राम इज कमिंग पढ़ा। अब देखो ये दोनों स्वतंत्र है, अलग अलग। अब ये स्टेटमेंट है, ये रिपोर्ट करता है, तो इन दोनों जब तक मिलेगा नहीं, रिपोर्ट होगा कैसे? भाई तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम उस सीट पे, ये सीट पे, वो छह सीट बैठे हो, अब कोई भी से बात नहीं कर, किसी को छेड़ना तो पड़ेगा ना, है? अलग अलग सब देश, अलग अलग स्टेट का है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन सब जा रहा है बिहार, राजधानी से पकड़ लिया, तो सामने सामने बैठा तो छेड़ना तो पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ कोई ना मुझे छेड़ना पड़ेगा। तो जब इनिशिएट करेगा तो था दूसरे का, लेकिन उसको जोड़ना पड़ेगा ना, तो जोड़ेंगे किसी को किसी से, तो सबसे पहला जो इन दोनों में बाधा है वो कौन है? कॉमास, यानी सबसे पहला बाउंड्री को हटाना पड़ेगा ना, कीगो में कि हम धर्मेंद्र से बात करेंगे, या तो मुंह बाके जा फिर पूरा ट्रेन गाना लगा के, ना तो बोलो फिर। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्वतंत्र है और अभी, लेकिन उसको जोड़ना है, तो सबसे पहला काम हटेगा कौन, हटना पड़ेगा। अब हटाने के लिए तुम कॉमा नहीं लग, सॉरी कॉमा हटाने के लिए तुम कनेक्टर्स अपने मन से नहीं लगा सकते कुछ भी, तुमको इस घर से परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन, विदाउट परमिशन किसी घर के बाउंड्री तोड़ देगा तू, नहीं ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सेंटेंस के नेचर को जानना पड़ेगा, और इस सेंटेंस का नेचर पढ़ाया हूं पांच तरह का। बोलो सेंटेंस पांच तरह होता ही नहीं होता है? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सला। तो आपको पहचानना होगा कि किस नेचर का है,
अगर ये परमिशन दिया तो तुमको इसको करना पड़ेगा चेंज। क्या करना पड़ेगा? इस कॉमा को हटाओगे तो लगाओगे कंजंक्शन। क्या लगाओगे? इसी कंजंक्शन का एक नाम दे दिया मास्टर रूल। क्या नाम दे दिया उस कंजंक्शन को? कपति कब? जब इसके नेचर को हमने क्या किया, जाना कि भाई पॉजिटिव है कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है। जैसा नेचर हुआ उसके अनुसार कौन सा कनेक्टर्स लगेगा उसी का नाम क्या है, मास्टर रूल। तो क्या लगाने आ गया तुमको, कनेक्टर लगाना आ गया? आया नहीं है, बस ये हुआ जन्म कैसे हुआ कनेक्टर का, तो उस बीच दोनों के नेचर उसको नहीं, वो तो मतलब अलग है ही है। इसको जानेंगे कि क्योंकि बाउंड्री इसके अंदर ना है, उस बाउंड्री को हटेगा तो पूछूंगा कि हटा दो बाउंड्री, बात करना चाहता हूं। कहेगा हटा दे, लेकिन मेरा ये स्वभाव है, झेलना पड़ेगा तुमको। मतलब कोई बात नहीं, झेल लूंगा, हो गया मास्टर। क्लियर? तो जन्म हो गया किसका, मास्टर रूल का। एक रूल समझ में आ गया, अब मास्टर रूल पढ़ना पड़ेगा ना। तो मास्टर रूल में क्या पढ़ोगे, इसका नेचर प्लस कनेक्टर्स। एक ही चीज सीखा हमने अभी इसमें, दूसरा कुछ नहीं। अब अगला पॉइंट सीखते हैं। एक काम समझ आ गया, अब क्या था कि तुम्हारा कनेक्टर्स हट गया, सॉरी ये हट गया बाउंड्री। अब बाउंड्री हट गया तो यहां पे क्या लग गया, अब तुम ऐसे नहीं किसी का घुस जाएगा, अपने लेवल के लोग के साथ ही बात करेगा। अब तू लड़का है तो लड़की से तू घूम जाएगा, और देखना पड़ेगा ना किसे घूम रहे हो। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति बात किसे करेगा, सेम बंदा से, और प्रधान बात किसे करेगा, यानी सब्जेक्ट का नेचर मिलना चाहिए। अब ट्रेन में बैठे हैं सामने सामने, तो लड़की लड़की जैसा बात करेगा, लड़का जैसा बात करेगा, क्या करेगा? ऐसे कहीं कहीं को छोड़ देगा, सॉरी माफ हो जाएगा फिर। तो सही बात करेगा किससे, और हर बात कहाँ करेगा, मतलब हुआ क्लियर? हर पॉइंट को बारीकी सीखो, उल्टा पुल्टा सीखोगे काम खराब। यही बेसिक क्लास है। इस तरह के अगर कॉन्सेप्ट दिखते हैं तो उसे बोलते हैं जनरल रूल, यानी जेनरिक रूल। टोटल तीन रूल पे काम करूंगा, मास्टर जिसमें क्या पढ़ते हैं कंजंक्शन, दूसरा पढ़ेगा जनरल में क्या पढ़ते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, बस खत्म कहानी। एच बस दिमाग में विजुलाइज क्लियर रखो तो आगे दिक्कत नहीं होगा, और आज दिक्कत हो रहा है तो आगे भी दिक्कत होगा, नासुर बन जाएगा। हाँ हाँ, कंजंक्शन लग गया, कॉमा हट गया, हट गया ना, मानो हट गया वो, ये तो पढ़ी हटा दिया हमने। अब वो सब लगा हुआ था, बनाया कहा हूं, अभी सिखा रहा हूं। यहां पे हटाया तो क्या लगा, कनेक्शन, कॉमा हट गया ना। अब बचा क्या, दूर में एंट्री हो रही है घर में, तो एंट्री होगी तो एक किसे मिलेगा, एक किसे मिलेगा। अब सुनो, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, सब्जेक्ट के नेचर को देखना पड़ेगा, नेचर को, कि भाई तुम हो कौन से नेचर के और तुम हो, तो कुछ बातें बर्दाश्त भी तो करनी पड़ती है दूसरे के नेचर को। अब पत्नी मिल गया कोई दूसरे मूड का, हमें दूसरे मूड के, तो या तो पत्नी पति में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, नहीं तो डाइवोर्स होना पड़ेगा ना फिर अंतिम रास्ता। दोनों के करेक्टर नेचर को जानना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसी प्रकार यह भी कॉम्प्रोमाइज करता है बहुत ज्यादा। ये देखे मान लो ये है फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये है थर्ड, ये है फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, तो मामला गड़बड़ा सकता है ना। तो इन दोनों को होते कितने पर्सन, तीन। सब्जेक्ट का मतलब तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और फोन भी थर्ड पर्सन है, बंद करो उसको, फोन भी थर्ड पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और, तो ये सब्जेक्ट तीन ही हो सकता है, फर्स्ट सेकंड, यह भी तीन हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऐसा कोई नियम थोड़े कि यहां यहां सेम होगा, नहीं ना बाबू, यहां आए तो यहां भी आई, यहां आए तो यहां यू भी हो सकता है, यहां आए तो यहां भी हो सकता है, यहां ही तो यहां सी भी हो सकता है, समझ पा रहे हो ना, कुछ भी हो सकता। यहां भी वन, यहां भी टू भी हो सकता है, यहां भी थ्री, यहां भी फाइव भी हो सकता है,
तो इसलिए सबका नेचर अलग अलग हुआ, तो क्या करना पड़ा, तालमेल, उसी तालमेल को पढ़ना पड़ेगा किस रूल में। तो विजन हो रहा है क्लियर, बिना पढ़ाए निरेशन समझ में आना चाहिए, पढ़ाऊंगा तो भूचाल आ जाएगा वो अलग बात है, फिलहाल यहां समझ में आ गया, वापिस आ जाओ, तीन काम समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखो कि कुछ घर में एक्स्ट्रा मेंबर भी होता है जो अदर वर्ड में आता है, हाँ, या कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी का होता है जिसको कहता है उसको अलग ही रहे, शांति रहने दो, उस पर नियम अलग लागू होगा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रूल, स्पेसिफिक रूल, या कह सकते हो स्पेशल रूल, स्पेशल रूल, खत्म कहानी। यही तीन रूल पे पूरा नरेशन बेस्ड है, आधारित है। अगर ये तीन बात आपको समझ में आ गया तो आगे जो पढ़ाऊंगा समझ में आ जाएगा, अगर तीन बात नहीं समझ में आया तो आगे भी दिक्कत होगा। अब इन सब के साथ भर्ब, जैसे मैंने कहा तो भर्ब का मतलब क्या पढ़ा था, टेंस, भर्ब का मतलब टेंस, और सब्जेक्ट का मतलब पर्सन, तो पर्सन और टेंस का ज्ञान होना चाहिए। बाकी चीजें पढ़ाया हूं अदर वर्ड एक्स्ट्रा वो सिखा दूंगा, बस मैं बात को, अगर यह टेक्निकल टर्म आपके दिमाग में गया कि हाँ बात सर सही कह रहे हैं भाई, हटेगा तो मिलेगा, तो ये दोनों मिलेगा, अगर ऐसा व्यवहारिक ज्ञान आपके पास है तो नेशन आपके लिए हलवा बना दे रहा हूं, और अगर कहीं दिक्कत है तो पूछ लो। बोलो, जो बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको दिक्कत है किसी को, आगे बढ़े चलिए। तो हम लोगों को शुरू करना चाहिए रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू, ये जितनी कहानी थी डायरेक्ट थी ना, अब बनाना क्या है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने नियम होंगे, तीन, पहला मास्टर, दूसरा, तीसरा, सब उंगलियों पर याद रखना आपको, यही बात लिखा था, लिखा भी गया, इनवाइट कॉमास, रिपोर्टिंग भाई रिपोर्टेड स्पीच, हिंदी बनाइए, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, हेडिंग बना दो मास्टर रूल, बना लिया हेडिंग, बस अब देखिए मैं क्या किस्माता हूं, हेडिंग बनाओ मास्टर रूल, देखिए गौर से क्या कहना चाह रहा हूं, मास्टर रूल में क्या कह रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहां दिया हमने कॉमा, यहां दिया इनवर्टेड क्लोज हो गया यहां पे, पापी सही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम आरएस, हमने कहा था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, कंजंक्शन लगाऊंगा, और कहा था इसके नेचर को जानना पड़ेगा, तो इसका नाम है आरएस नेचर, क्या है, हो सकता है कि आरएस क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो, अच्छी बात, ये कहता है कि अगर असर्टिव होगा, ऑप्टेटिव होगा, एक्सक्लामेटरी होगा तो दैट लगा देना, अगर ये वाला स्टेटमेंट असर्टिव हो, पहला क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कह रहा है कि पहला, तीसरा और पांचवा में क्या लगा देना, तीसरा नहीं, शांति 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 शांति, पहला, चौथा और पांचवा में क्या लगा देना, दैट, ये तीन में दैट आ गया। अब तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि असर्टिव दिखता कैसा है, ऑप्टेटिव दिखता कैसा है, इंपरेटिव दिखता कैसा है, ये पहचान तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये सब पढ़ा चुका हूं पहले, पढ़ा चुका हूं ना, तो असर्टिव में क्या लगेगा, क्या दैट लगे, कंजंक्शन, यहां पर दैट कहां लगेगा जी, इन दोनों को जोड़ने के लिए लगेगा, इससे मतलब नहीं है कुछ भी, बस इसको पहचानूंगा, बस इसको बस पहचानूंगा, और सीधा यहां पे दैट चुपके से जोड़ दूंगा, इन दोनों का मेडिएटर है, मिलाने वाला कौन है, दैट। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्या है जी, तो इंटरोगेटिव पढ़ाया था दो तरह का, एक कहा था विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब तो क्या लगाना, इफ या वेदर, और अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो तो सेम डब्ल्यू एच, फिर समझो, अगर सेंटेंस यहां पर लिखा है आर यू गोइंग, आर यू, तो यहां लगाना इफ या वेदर, यहां लिखा मिले व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट,
Where are you going? Where do you live? Where? When do you come? When? तो जो इंट्रोगेटिव इसमें रहेगा उसी को यहां छाप देना है। टेंशन ही नहीं, नरेशन से आसान को टॉपिक है इन दुनिया में, समझा? अगर सेंटेंस इंपरेटिव है तो क्या लगाओगे? इंपरेटिव हुआ तो टू, उतार लो इसको।